Now next topic, completely new topic is conditional statement in C language. अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए थे सभी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ था वन बाई वन और सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशंस. बट सपोज दैट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और रिक्वायर्ड स्टेटमेंट किसी कंडीशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूट करना है तो इस केस में यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स. मीन्स सबसे पहले डिस्कस करें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करने का पर्पज क्या है, किस सिचुएशन में यूज करें. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट वी वांट टू डिस्कसिंग व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स. मीन्स अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए थे सभी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है सिक्वेंशियल. व्हाट इज मीन बाय सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन. सपोज दैट अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कोड है सम प्रोग्राम लाइक अ वॉइड मैन. इन दैट केस किसी प्रोग्राम या फंक्शन के अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए लाइक स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री एंड सो ऑन लाइक अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक दैट. नॉर्मल केस में किसी भी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम मेन फंक्शंस. मेन के रिस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड होगा, स्टेटमेंट एस वन. स्टेटमेंट एस वन सबसे पहले चांस किसको मिला, स्टेटमेंट एस वन को. एस वन का एग्जीक्यूशन फिनिश होने के जैसे बाद कंट्रोल कॉन्सेंट होगा नेक्स्ट लाइन. सेम एज स्टेटमेंट वन के एग्जीक्यूट होने जैसे बाद कंट्रोल कॉन्सेंट होगा टू द स्टेटमेंट टू. सेम एज अगर स्टेटमेंट टू का एग्जीक्यूशन फिनिश होने के जैसे बाद कंट्रोल सेंड होगा ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वन बाय वन एंड सो ऑन लाइक दैट. बट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स किसी कंडीशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूट कराना है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूटिंग सम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशंस देन यू शुड यूज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड यू शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स. इस डिफॉल्ट केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसा, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशंस. व्हाट इट मीन बाय कंडीशंस, सम अदर कोड. सपोज दैट अगर आपके पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक स्टेटमेंट एस वन स्टेटमेंट एस टू सेम एज सम अदर रिलेटेड स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट एस थ्री स्टेटमेंट एस फोर लाइक दैट. इस टाइप से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल है एस वन एस टू एस थ्री एस फोर. और नॉर्मल केसेस में देखा जाए तो इस केस में सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, स्टेटमेंट वन देन स्टेटमेंट टू सिमिलरली स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट फोर इन डिफॉल्ट केस. अगर आप कंडीशंस के बेस पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैं क्या चाहता हूँ इस केस में, या तो स्टेटमेंट एस वन एस टू का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर स्टेटमेंट एस थ्री और एस फोर मीन्स अदरवाइज के फॉर्म में और एल्स के फॉर्म में. मीन्स या तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और वी वांट टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आइदर फर्स्ट ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक. तो इस केस में कंडीशंस के बेसिस पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करें कंडीशनल स्टेटमेंट्स. मीन्स जिन स्टेटमेंट्स को कंडीशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूट कराना है स्टेटमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करके कंडीशंस अप्लाई करेंगे. कंडीशंस के केसेस में टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स. या तो कंडीशन कंसीडर होगा या ट्रू और कंडीशन कंसीडर होगा या फॉल्स. पर कंडीशन ट्रू है ट्रू के केसेस में चांस किसको मिलेगा, एसोसिएटेड ब्लॉक एस वन एस टू. दूसरा पॉसिबल केस क्या होगा और कंडीशन इज फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस केस में चांस किसको प्रोवाइड होगा टू द नेक्स्ट ब्लॉक लाइक दैट. कंडीशन वन इफ कंडीशन और सम कंडीशनल स्टेटमेंट इफ कंडीशन और सम अदरवाइज अदरवाइज मीन्स एल्स. इस इफ के केसेस में चांस किसको मिलेगा, एक कंडीशन टू इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू विल बी एग्जीक्यूटेड. इफ कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट एस थ्री और एस फोर विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन से पहले कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड किया लाइक स्टेटमेंट जीरो, इस केस में स्टेटमेंट जीरो अनकंडीशनली एग्जीक्यूट हो रहा है डायरेक्टली विदाउट एनी कंडीशंस. एस जीरो मीन्स एस जीरो सभी कंडीशंस में एग्जीक्यूट, चाहे कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो इस स्टेटमेंट एस जीरो इस कंडीशन से अफेक्ट नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैंने इफ और एल्स के बारे या कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे कोई अदर स्टेटमेंट पुट किया लाइक स्टेटमेंट फाइव, सिमिलरली इस केस में स्टेटमेंट फाइव भी किसी कंडीशंस का पार्ट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट फाइव सभी सिचुएशन में एग्जीक्यूट होगा. इस प्रोग्राम के लिए
एग्जीक्यूशन डायग्राम क्रिएट करें तो एग्जीक्यूशन डायग्राम क्या रहेगा, समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, सम फ्लोचार्ट डायग्राम, एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड हुआ, टू द स्टेटमेंट जीरो अनकंडीशनली, सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड हुआ, स्टेटमेंट जीरो अनकंडीशनली, स्टेटमेंट जीरो के जस्ट बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन के केस में पॉसिबल केस क्या होंगे, या तो कंडीशन ट्रू होगा या फिर कंडीशन फॉल्स होगा, सेकेंड केस में कंडीशन टेस्ट होगा, टेस्टिंग सम कंडीशंस, टेस्टिंग सम कंडीशन, कंडीशन के रिस्पेक्ट में पॉसिबल केस क्या होंगे, देर आर टू पॉसिबल केस, आइदर कंडीशन इज ट्रू, या तो इस केस में कंडीशन कंसीडर होगा एज अ ट्रू और कंडीशन विल बी कंसीडर्ड एज फॉल्स, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, और कंडीशन इज फॉल्स मीन्स टू पॉसिबल केस, इस केस में कंडीशन में भी फॉल्स, अरे कंडीशन ट्रू इस प्रोग्राम के या कोड के अकॉर्डिंग, कंडीशन ट्रू देन चांस किसको प्रोवाइड हुआ, स्टेटमेंट एस वन और एस टू, फर्स्ट वन एस वन आफ्टर दैट एस टू, दूसरा पॉसिबल केस क्या है और कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स देन डायरेक्टली चांस किसको मिलेगा, नेक्स्ट ब्लॉक को और अल्टरनेट कोड एस थ्री एस फोर लाइक दैट, मीन्स जब फर्स्ट बॉडी एग्जीक्यूट हुआ सेकंड बॉडी, लेकिन इस केस में एस फाइव एग्जीक्यूट किया अनकंडीशनल, मीन्स फर्स्ट कंडीशन टू है देन एस वन एस टू को चांस मिलने के बाद डायरेक्टली चांस किसको मिला, स्टेटमेंट फाइव, मीन्स स्टेटमेंट फाइव सभी सिचुएशन में एग्जीक्यूट हुआ, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, फाइनली एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड और स्टॉप लाइक दैट, इज द एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम फॉर रिगार्डिंग गिवन स्टेटमेंट, मीन्स अगेन वी आर डिस्कसिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करने का एग्जैक्टली पर्पज क्या है, अगर आपके पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल और इन स्टेटमेंट्स को कंडीशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूट करना है, आइदर प्रीवियस ब्लॉक और नेक्स्ट ब्लॉक, देन इस केस में यूज करेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट केसेस में देखा जाए विदाउट कंडीशंस होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, एज अ सिक्वेंशियल नेचर मीन्स वन बाई वन, जब तक प्रीवियस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाए देन रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशंस के बेसिस पर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना भी पॉसिबल, उनको स्कीप कराना भी पॉसिबल बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, देर आर थ्री थिंग्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ प्रोग्राम में 90% केसेस में अगर देखा जाए जितने भी आप प्रोग्राम्स क्रिएट करोगे मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई क्या करेंगे, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, विदाउट ऑपरेटर, विदाउट कंडीशनल स्टेटमेंट, विदाउट लूपिंग स्टेटमेंट कोई भी प्रॉपर लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं, अगर आपको किसी प्रोग्राम्स के लिए लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना यूज क्या करेंगे ऑलवेज कंडीशनल स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस रहेगा ऑपरेटर, विदाउट ऑपरेटर एक सिंगल प्रोग्राम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करना है या फिर फिबोनाची सीरीज और सम अदर केसेस लाइक एडिशन सबट्रैक्शन, इन फ्यूचर जितने भी हाई लेवल के प्रोग्राम्स बनाओगे तो हाई लेवल के प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए मोस्टली यूज रिक्वायर्ड क्या होंगे, फर्स्ट वन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स, नेक्स्ट वन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट वन लूपिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे सम बेसिक्स थ्योरी अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देन आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर किस टाइप्स के एप्लीकेशंस बनाना पॉसिबल होगा। इन दैट केस कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें सी लैंग्वेज के अंदर होल कंडीशनल स्टेटमेंट थ्री कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, देयर आर थ्री कैटेगरी और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल मीन्स डिसीजन के बेसिस पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, अनकंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट्स, मीन्स फाइनली ये कंडीशनल स्टेटमेंट थ्री कैटेगरी में डिवाइड किए, सम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन कंडीशंस, सम स्टेटमेंट्स आर कंसीडर्ड अनकंडीशनल, बिकॉज एग्जीक्यूशन कंट्रोल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विदाउट कंडीशंस भी सेंड करना पॉसिबल होता है बाय यूजिंग समथिंग गो टू और ब्रेक स्टेटमेंट। सेम एज अगर आपको रिपीटेटिव स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना देन मोस्टली यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन क्या कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स,
same as unconditional statements are nothing but simply break, continue or something go to statement. Similarly, looping statements के लिए हम three types के looping statement possible होंगे. There are four types: for loop, while loop and do while loop. We are writing a types of different different statement. Conditional statement के केस में conditional statements क्या है? Simply, simple if. दूसरा केस क्या है इस केस में? Simple else और simple if else. या तो if simply provide करो या फिर if else के साथ भी provide करना possible है. If else. Third case nested if, like that. Similarly, switch statement. Next one, unconditional. Unconditional ke cases mein use karenge some go to statement. Go to statement currently outdated statement है जो कि currently programming language में use नहीं किया जाता है. Go to वो places पर mostly जो था looping statement. Means जो programs go to statement के through बनाना possible, सारे programs looping statements के through भी create करना possible है. फिर इसको discuss करेंगे what is the use of go to. Next one some break statement और third one is continue statement. Last one, looping statements are also known as iterative statements. There are three types of loops we are discussing in C. First one, for, while, and third one is do while loop. This whole syllabus about conditional statements. In next session, we are discussing one by one all conditional statements.